दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह अडानी फाइल से जुड़ी एक अहम खबर के साथ आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत करता हूं। खबर उस वक्त की है जब अडानी ग्रुप ने अपने अल्ट्रा सुपर थर्मल पावर प्लांट के लिए झारखंड के गोड्डा में जमीन हासिल की। पावर प्लांट जिस जमीन पर बना है वो जमीन आदिवासियों की थी और उसे जिस अंदाज में अडानी ग्रुप ने हासिल किया था उसके बारे में बीबीसी ने विस्तार पूर्वक बताया है। बीबीसी के मुताबिक अडानी ग्रुप ने बीजेपी सरकार की मदद से कल बल और छल से आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया था। अडानी ग्रुप की गुंडई के बारे में बताते हुए पीड़ित लुखुमोई मुर्मी बीबीसी से कहती हैं कि हमने पावर प्लांट के लिए अपनी जमीन नहीं दी है, फिर जाने कैसे मेरी जमीन का अधिग्रहण हो गया। 31 अगस्त को अडानी कंपनी के लोग सैकड़ों पुलिस वालों और लठैतों के साथ मेरे गांव आए और मेरे खेत पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की। उन लोगों ने मेरी धान की फसल बर्बाद कर दी और बुलडोजर चलाकर सारे पेड़ पौधे उखाड़ दिए। मैंने उनका पैर पकड़ा, फसल नहीं उजाड़ने की मिन्नतें की, लेकिन वो अंग्रेजों की तरह दमन पर उतरे थे। उन लोगों ने हमारी जमीन पर जबरन बाड़ लगा दिया, हमारे पुरखों के शमशान को तोड़कर समतल कर दिया। अडानी ग्रुप के इस पावर प्लांट के लिए माननीय मोदी जी खासतौर पर प्रयासरत थे। पावर प्लांट से पैदा की जाने वाली बिजली सीधे बांग्लादेश को भेजी जानी थी और इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त पहल की थी जब वो साल 2015 में बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। बाद में जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दिल्ली आई तो करार पर मुहर लगा और उसके बाद शुरू हुआ अंग्रेजी राज के स्टाइल में जमीन पर जबरन कब्जा का सिलसिला। अडानी ग्रुप के हाथों अपनी जमीन गंवा चुके रिटायर्ड शिक्षक राम जीवन पासवान बीबीसी को अपनी आपबीती बताते हुए कहते हैं कि फरवरी महीने में अडानी समूह के कुछ लोग मेरे खेत पर आए, मुझे मेरी जाति को लेकर गालियां दी और कहा कि इसी जमीन में काटकर गाड़ देंगे। मेरी जिंदगी में पहले किसी ने ऐसी गाली नहीं दी थी। मैं इस घटना को भूल नहीं पाता हूं। मेरे घर पर ईंट पत्थर से हमला कराया गया और जब पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिस पावर प्रोजेक्ट के पीछे सीधे सीधे प्रधानमंत्री का हाथ हो, जिस पावर प्लांट को जमीन मुहैया कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कमर कसे हों, वहां पुलिस और प्रशासन की हालत क्या होगी, इसका अंदाजा लगाना कतई मुश्किल नहीं है। वैसे इस बात का अंदाजा आप भी नहीं लगा सकते हैं कि अडानी ग्रुप को खुश करने के लिए गोड्डा प्रशासन ने एक जिंदा शख्स को स्वर्ग तक भेज दिया। इस वाक्य के बारे में बीबीसी को बताते हुए पीड़ित गणेश पंडित कहते हैं कि मुझे अडानी के लोगों ने मार दिया, 3 बेटा है, 2 का ही नाम दिखाया और मेरी जमीन को मेरी सहमति के बगैर अधिग्रहित कर दिया। मैंने मुआवजे का पैसा नहीं लिया है, इसके बावजूद मेरी जमीन पर बाड़ लगाकर उसकी घेराबंदी कर दी गई। बीबीसी की यह रिपोर्ट उस वक्त याद दिलाती है जब देश पर अंग्रेजों का कब्जा था और देश कायदे कानून की जगह अंग्रेजों की मर्जी से चलता था। आज हम आजाद हैं, कहने के लिए देश कायदे कानून और संविधान से चल रहा है, लेकिन अडानी ग्रुप ने जिस अंदाज में अपने पावर प्लांट के लिए जमीन हासिल किया है उसे देखकर आप क्या कहेंगे? आपके जवाब का इंतजार है। नमस्कार।